हेलो फ्रेंड, आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ टिप्स। ये बहुत काम की टिप्स है। तंदूरी रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें दही और गुनगुना पानी मिलाकर गूंथें। इससे तंदूरी रोटी सॉफ्ट बनेगी। लाल मिर्च को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखना हो तो उसमें एक हींग का टुकड़ा रख दे। इससे लाल मिर्च जल्दी से खराब नहीं होती है। रायते को टेस्टी बनाने के लिए उसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाले। इससे रायते का स्वाद बढ़ जाएगा। दाल के चीले बनाते समय उसमें 2 स्पून चावल का आटा भी मिलाएं। इससे दाल के चीले कुरकुरे बनेंगे। गुलाब जामुन बनाते समय मावा की जगह गेहूं का आटा ले। इससे गुलाब जामुन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सूप बनाते समय ब्रेड क्रूट्स की जगह पनीर के छोटे छोटे क्यूब डालें। इससे सूप और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। बूंदी और खीरे का रायता बना रहे हो तो उसमें हींग, जीरा और लाल मिर्च का ही तड़का लगाएं। इससे रायते का स्वाद दोगुना हो जाएगा। आइए जानते हैं कि तवे के बारे में वास्तुशास्त्र में क्या कहा गया है और तवे के बारे में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में रात का खाना बनाने के बाद साफ सफाई जरूर करनी चाहिए और तवे को धुल कर जरूर रखना चाहिए। तवे को कभी भी बिना धुले ना रखें और ना ही बिना धुले उसमें रोटी बनाएं। तवे में रोटी बनाने से पहले तवे में थोड़ा सा नमक जरूर छिड़के। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक में हल्दी या मिर्च ना मिली हो। ऐसे करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह के समय तवे में बनाने वाली पहली रोटी हमेशा गाय माता के लिए जरूर रख दें। ऐसे करने से परिवार के सभी सदस्य पर सभी देवी देवताओं और पितृ देवी देवता का आशीष बना रहता है। जब तवे का उपयोग ना हो तो उसे धूल के किसी साफ जगह पर रख दे, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। खाना बनाने के बाद कभी भी तवे को गैस पर ही ना छोड़े।
तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ऐसा करना आपकी जिंदगी में परेशानी को बढ़ा सकता है। तवे को साफ करने के लिए नमक और नींबू का प्रयोग करें, इससे तवा साफ हो जाएगा। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।